नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार अपना कार्यकाल संभाल लिया है, जिसके लिए उन्होंने रविवार को शपथ ग्रहण किया। ऐसे में जनता इसे मोदी 3.0 का नाम दे रही है। अब जो कि दुनिया भर से पीएम को बधाई मिल रही है, तो ऐसे में लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि पवन सिंह, जो कि भोजपुरी के पावर स्टार हैं, उनकी ओर से भी पीएम को बधाई दी जाएगी। क्योंकि सभी जानते हैं कि भाजपा ने पवन सिंह को पहले पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था। हालांकि एक्टर ने लौटाते हुए निर्दलीय लड़ने की घोषणा कर दी और काराकाट की सीट से अपना नामांकन करवा आए, लेकिन वहां से स्टार को हार का सामना करना पड़ा। मगर पवन सिंह के चुनावी प्रचार में जो चीज सबसे ज्यादा नोटिस की गई है वो ये है कि उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, उनके कार्य के पुल बांधते हुए दिखे, उनके हर एक जिम्मेदारियों के तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। लेकिन पीएम की जीत के बाद भी पवन सिंह ने उन्हें बधाई नहीं दी। अब जैसा कि भोजपुरी के तमाम एक्टर और एक्ट्रेसेस ने पीएम को बधाई दी, तो ऐसे में पवन सिंह हार का सामना करने के बाद कुछ दिनों तक पब्लिकली बाहर भी नहीं निकले, जिसके लिए जनता सवाल उठाते हुए कह रही है कि क्या पवन सिंह को हार का सदमा लगा है। खैर, चुनावी मैदान में हार जीत तो होती ही रहती है। अब जो कि पवन सिंह ने पीएम को बधाई नहीं दी, तो ऐसे में लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या भाजपा से ऑफिशियली आउट होने के कारण पवन सिंह ने पीएम को बधाई नहीं दी है। अब जैसा कि तमाम लोगों ने उनको बधाई दी, यहाँ तक कि दुश्मन से दोस्त बने खेसारी लाल यादव। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल, जिनके साथ बरसों से दुश्मनी की कहानी चल रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान वो भी दोस्त बनाए। उन्होंने भी पीएम को फेसबुक के जरिए बधाई दी है, लेकिन पवन सिंह ने नहीं दी। अब जहाँ की तमाम लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या मायूसी के कारण पवन सिंह अभी तक सदमे से बाहर नहीं आए, या फिर ऑफिशियली आउट होने के कारण उन्होंने पीएम को बधाई नहीं दी। क्या लगता है आपको, हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।